हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे के लड्डू। लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन किया और कढ़ाई पर डाल दिया मैंने गेहूं का आटा। अब गेहूं के आटे को पकाना है और गेहूं का आटा जो है वो हमें लगातार चलाना है और ये बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाना है। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि आटा जो है वो बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। बहुत ही पेशेंस से इसको बनाना है हमें और आप देखेंगे कि आटे का कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ आटे को 15 मिनट तक ऐसे ही पकाया था और बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इसको पकाया था और धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी देसी घी। अब आटा जो है वो अच्छी तरह से पक गया है और अब गैस को मैं बंद कर दूंगी और अब इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऐड किए हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं। अब ऐड करूंगी मैं इसमें पीसी हुई चीनी। चीनी को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था और मैंने चीनी के यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऐड किए हैं और फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं यहाँ पर लड्डू बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर गोल गोल से लड्डू बनाए हैं और फिर मैंने साथ में पीसी हुई चीनी भी इसमें लगाऊंगी और फिर सारे ही लड्डू जो हैं वो मैं ऐसे ही बना लूंगी। अब लड्डू बनके तैयार हैं और आप इन लड्डुओं को कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।